सिर्फ देखिए कह रहे द सॉल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस वाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना होगा तो सेल्सियस इक्वल टू होता है 5/9 इंटू में फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये होता है, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल्सियस में टेम्परेचर है 30 डिग्री टू कितना 35। ठीक, तो 30 से सेल्सियस देखिए 5/9 एफ माइनस का 32 और इज लेस देन 35। अब देखिए हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 9/5 इन बोथ साइड। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 इंटू में 9/5 इज लेस देन 5/9 इंटू में एफ माइनस का 32 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 9/5 इज लेस देन 35 इंटू में 9/5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 से 9, 5 से 5 कैंसिल, ये इसको 6 टाइम्स में और यहाँ पर ये इसको 7 टाइम्स में, है ना। तो यहाँ पे 54, ये f माइनस 32 इज लेस देन यहाँ पे 63। अब 32 ऐड कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ठीक है, एडिंग 32 इन, अच्छा 35 ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 54 प्लस का 32 इज लेस देन f माइनस का 32 प्लस का 32 इज लेस देन 63 प्लस का 32। चलिए तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा 86 के फ़ारेनहाइट या f बचेगा और यहाँ पे 95 बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बिटवीन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट